आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। टोक्यो ओलंपिक में मंगलवार भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया महिला हॉकी टीम को क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 अंकों से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। खेल प्रेमियों ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत हासिल करने के बाद गुरुद्वारा शाहगंज में श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में अरदास की। आज प्रार्थना की है गुरु के आगे, कल महिला हॉकी टीम है जो उसका मैच टोक्यो और जापान का मैच है, इसके उपलक्ष्य में गुरु के आगे अरदास की। गुरु महाराज कृपा करें, उनको चढ़ती कला बख्शे, महाराज जीत की प्राप्ति हो, गुरु के आगे अरदास विनती करी है। जापान टोक्यो में भारत का नाम रोशन करने के लिए जो महिलाओं की हॉकी टीम गई है, तो निश्चित ही सेमीफाइनल कल सुबह 7 बजे शुरू होना है। तो हमने आज प्रार्थना की है कि किसी भी तरीके से भारत का नाम रोशन हो, जब फाइनल सेमीफाइनल में पहुँची हो तो निश्चित ही फाइनल भी जीत के आए और भारत का गौरव बढ़े। जय हिंद। आज हमने वाहेगुरु जी से प्रार्थना करी है, अरदास करी है कि जो हमारे हॉकी टीम के प्रति जा रहे हैं वो जीत कर आएँ और भारत का नाम उज्जवल करें, जिससे हम पूरे भारतवासियों की आज गुरुद्वारे में यही प्रार्थना है कि आएँ और जीत कर हम सबका नाम रोशन करें। ऐसे वाहेगुरु से प्रार्थना की है कि जो भारत की हॉकी टीम है वो अच्छे से जीते और गौरव प्राप्त करे, भारत की इंडिया की टीम गौरव प्राप्त करे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज अरदास की है कि जो भारत का जो क्रिकेट जो कल मैच है उसके लिए अरदास की गई है कि अपनी भारत जीते और आगे बढ़ सके, यही हमारी अरदास है वाहेगुरु से।